रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसके बारे में हम जानेंगे। अब आप तो जानेंगे मंजीत सिंह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऊपर वाले का रिप्लाई, ऊपर वाले क्या भेजे हैं, कलम मैट्रिक्स, कलम मैट्रिक्स भेजे हुए हैं। बिल्कुल सौरभ पटेल ध्यान देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की परिभाषा क्या देंगे, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर से याद आया हमारे पास रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में रेक्टेंगल का एरिया यही होता है, देख सकते हैं। रेक्टेंगल को हम आयत के नाम से जानते हैं, आयत। अब आयत की लंबाई अलग होती है और चौड़ाई जो होती है वो अलग होती है, लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग। तो क्या हम यहां पर लिख दें एम बराबर एन, लिख दें, बराबर होती है, बराबर नहीं होती है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनेशन में हम चलेंगे तो हम इसमें देखेंगे, अब तो इसके ऑर्डर्ड फॉर्म को देखिए, अब तो इसके ऑर्डर्ड फॉर्म को हम देख सकते हैं। यहां पे एम बाई एन से जो हम ऑर्डर लिखते हैं देखेंगे यहां पे, बहुत बढ़िया। इसमें एम और एन होता है, क्या होता है, एम और एन, जैसे 1, 2, 4, 3, 6, 9, 8, 7 देख सकते हैं। अब नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है, नंबर ऑफ रो कितने हो गए, 2 हो गए, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 यानी 2x4 का ये हो गया, ये हुआ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये। पुनः हम यहां पर देखेंगे 2, 3, 5, 9, 6, 1 ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, 2x3 ऑर्डर्ड है इसका, 1, 2, 2 रो हो गया, रेस्पेक्टिव रो नंबर एंड रेस्पेक्टिव कॉलम नंबर याद रखेंगे हम। एम को किस नाम से जानेंगे, रेस्पेक्टिव रो नंबर, एन इक्वल टू रेस्पेक्टिव कॉलम नंबर, आपके सामने ये ही होगा, रेस्पेक्टिव रो नंबर एंड रेस्पेक्टिव कॉलम नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सौरभ पटेल, सौरभी कुमारी, सौरभ पटेल जी ध्यान देंगे, आईडी बदल के बात मत कीजिए सौरभ पटेल, लेडीज मत बनिए बाबू, सही बात है कि नहीं, चलिए ध्यान देंगे।